रफ्तार को तेज करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास संचालन के लिए संयुक्त उपक्रम अक्षय और ताप विद्युत परियोजनाओं तथा विद्युत प्रसारण परियोजनाओं के लिए संयुक्त उपक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट संस्कृत शिक्षा विभाग में पदनाम परिवर्तन एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में सुपर स्पेशलिटी शिक्षकों की कमी दूर करने के जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। तो भजनलाल कैबिनेट के कई बड़े फैसले आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार डॉक्टरों की नई भर्ती करेगी, ये बड़ा फैसला लिया गया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इन फैसलों से आने वाले दिनों में प्रदेश के विकास की रीति बदल जाएगी। 2047 मेगावाट हाईब्रिड एनर्जी की स्थापना सरकार करेगी। कई बड़े फैसले कैबिनेट में लिए गए। ट्रांसमिशन प्रणाली दुरुस्त करने की बात भी कही जा रही है, तो और इसमें रीति नीति जो राजस्थान की है वो बदलने की बात कही जा रही है। मेट्रो रेल परियोजना के तहत भी तमाम कार्य किए जाएंगे। मेट्रो रेल परियोजना में जैसे 50% हिस्सेदारी होगी महिला और पुरुष दोनों की, ये बड़ी बात है। इसमें कैबिनेट की बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए रखे गए महत्वपूर्ण प्रकरणों की जानकारी इस प्रकार है। मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए जेवी, मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ये संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा। दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, उत्तर प्रदेश मेट्रो, नोएडा मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, नागपुर मेट्रो आदि लगभग सभी राज्यों में भी सफलतापूर्वक जेवी का यही मॉडल अपनाया गया। इस कैबिनेट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, पावर से संबंधित हैं, मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित हैं। सबके बारे में आपको मैं बताता हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस में ये पाया गया कि डिले हो रहा है, देर हो रहा है मेडिकल इंश्योरेंस मिलने में। कैबिनेट ने यह निर्णय कराया कि मेडिकल इंश्योरेंस में तेजी लाई जाएगी और उसके लिए सबसे पहले सेटलमेंट होगा। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का जो हिस्सा है सबसे पहले वो सेटल करेंगे, उसके बाद जो बकाया हिस्सा होगा वो आरजीएचएस से सेटल करा दिया जाएगा। इससे सरलीकरण भी होगा और इंश्योरेंस मिलने में तेजी भी आएगी। राजस्थान में ऊर्जा का सबसे अधिक महत्व है और किसी प्रदेश और देश का विकास सड़क बिजली और ऊर्जा पर निर्भर करता है। अभी हमारी ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता नहीं है और इस दृष्टि को रखते हुए सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि हम धीरे धीरे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर। और इसी संबंध में माननीय राठौर साहब ने आपके समक्ष ये विषय रखा, इससे संबंधित ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरबीएलएल के मध्य एक जॉइंट वेंचर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय